उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में अगस्त में सर्किल रेट बढ़ सकते हैं। इस बार करीब 25% तक सर्किल रेट बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से पिछले कई सालों से सर्किल रेट नहीं बढ़ रहे थे। इसी को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में रजिस्ट्री विभाग के अफसर से कहा गया कि सर्किल रेटों को लेकर सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। टीम के सदस्य सर्वे टीम विभिन्न क्षेत्रों में संपत्ति को लेकर जांच कर रहे हैं, जिससे नए सर्किल रेट का निर्धारण किया जा सके। बताया गया है कि जिला प्रशासन की ओर से जमीनों के सर्किल रेट निर्धारित किए जाते हैं। हर साल सर्किल रेट में संशोधन होता है। इसके लिए सर्किल रेट बढ़ाने के सर्वे के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है। जमीन के सर्किल रेट के हिसाब से मकान, दुकान आदि खरीदने वालों को स्टाम्प ड्यूटी लगानी पड़ती है। स्टाम्प खरीदने वालों पर रेट बढ़ाने से स्टाम्प का खर्च बढ़ जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जमीन के सर्किल रेट और वास्तविक दाम में काफ़ी अंतर होता है। प्रदेश सरकार को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में राजस्व मिलता है। कोरोना के कारण पिछले सालों में सर्किल रेट नहीं बढ़ सके थे। कोरोना के कारण जमीन का खरीद फरोख्त पर असर पड़ा था। अगस्त में उम्मीद है कि कई इलाकों में सर्किल रेट बढ़ जाएंगे, इससे प्रदेश सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। सर, आज सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर बैठक हुई है, क्या क्या मतलब तैयारी थी? वित्तीय वर्ष 2018-2019 की बात से कोविड के चलते और तमाम अन्य कारणों से सर्किल रेट यथावत रखा गया था, कोई वृद्धि नहीं थी। लगभग 3 साल हो गए हैं पूर्व का रेट चल रहा है। निश्चित रूप से उसके बाद से महंगाई बढ़ गई है, प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए हैं, तो इसके दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा सर्किल रेट है उसको रिवाइज किया जा रहा है। इसके संबंध में आज एक दूसरी बैठक थी और जिसपे लोगों से चर्चा की गई, माननीय जनप्रतिनिधि लोगों से इस बारे में वार्ता की गई। अभी हम लिस्ट पब्लिश करेंगे जिसपे आपत्तियाँ मांगी जाएंगी और उसके बाद वो फाइनल होगी और 1 अगस्त नई रेट लिस्ट लागू होगी। अभी उससे पहले तक जो पुरानी रेट लिस्ट है उसी के आधार पर बैठाना होते हैं।